शोधकर्ताओं ने किया इस बात का दावा। एक सर्किट के माध्यम से खुशी और पीड़ा में मस्तिष्क बनता संतुलन। अमेरिका के कोल्ड स्प्रिंग हार्बर लैबोरेटरी के शोध में इस बात का खुलासा किया गया है कि मस्तिष्क में एक सर्किट होती है जो खुशी और पीड़ा के बीच संतुलन बनाकर काम करती है। शोधकर्ताओं ने इस बात का भी दावा किया है कि शरीर के किसी अंग में दर्द होने पर वेंट्रल पैलिडम सर्किट उस दर्द को कम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि सब कुछ जब मस्तिष्क के नियंत्रण से बाहर हो चला जाता है तब व्यक्ति मानसिक रोग जैसे अवसाद और चिंता से ग्रसित हो जाता है। हाल ही में न्यूरॉन जर्नल में प्रकाशित हुए अमेरिका के कोल्ड स्प्रिंग हार्बर लैबोरेटरी के शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क में इस तरह के एक सर्किट होने का खुलासा किया है। इस शोध में बताया गया है कि मस्तिष्क के भीतर अलग अलग तरह की तंत्रिका तंत्र मौजूद होता है और इनका काम सकारात्मक व नकारात्मक विचारों को नियंत्रण करने के साथ मस्तिष्क को सूचना देने का भी होता है। इस लैबोरेटरी के शोधकर्ता बोली ने बताया है कि मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र ही इस बात को तय करते हैं कि व्यक्ति खुशी को महसूस करे जिससे उसे पीड़ा का एहसास ना हो। इसके साथ शोधकर्ताओं ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि मानसिक रोग से ग्रसित लोगों में तंत्रिका तंत्र सही से काम नहीं करती है और इसी के कारण अवसाद से ग्रसित व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं करता है जिससे उसे खुशी या पीड़ा महसूस हो। वैज्ञानिकों ने इसका प्रयोग चूहों पर करते हुए पाया है कि चूहे के मस्तिष्क के वेंट्रल पैलिडम की निगरानी में पता चला कि तंत्रिका तंत्र जो गाबा नाम के संदेशवाहक केमिकल छोड़ती है मानव में भी वेंट्रल पैलिडम की वजह से ही मस्तिष्क तंत्र को निर्देश देता है।